मूवी की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जहाँ पर रिचर्ड नाम का एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में बैठा हुआ था। उसके सामने किसी सुअर का सर पड़ा हुआ था और तभी स्पीकर पर कोई आदमी ये कहने लगता है कि रिचर्ड को अपने कर्मों की सजा मिलेगी और जो भी उसने अपने चाहने वाले के साथ में किया है, उनको मारा है, उनका विश्वास तोड़ा है, उसके बदले में उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर रिचर्ड डरकर भगवान का नाम लेने लगता है, लेकिन शैतान थोड़ी ना भगवान के नाम से डरने वाले थे। फिर कुछ लोग आकर रिचर्ड को उठाकर एक टॉर्चर रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसी के साथ में बहुत ही भयानक टॉर्चर होता है। उसके हाथ पर कीले मारी जाती है और रिचर्ड दर्द में तड़पता और चिल्लाता रहता है। उसके इस दर्द का मजा एक आदमी दूर बैठकर ले रहा था और हमें फिलहाल इस आदमी का फेस नहीं दिखाया जाता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर शहजाद और एमएश खाना बना रहे थे, लेकिन उन पर कोई नज़र रखे हुए था और उनको इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद वे लोग उनके कार का भी पीछा कर रहे थे। एनएश एक स्ट्रिप क्लब में काम करती थी और वहाँ भी लोग उसी पर नज़र रख रहे थे। एनएश जब होटल रूम में थी तो वहाँ पर दो आदमी आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और एनएश जब होश में आती है तो वो जेल जैसी एक जगह पर बंधी हुई थी। उस रूम में टॉयलेट, बेड और टेबल के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी कोई आदमी स्पीकर पर उसे आवाज़ लगाता है और वो आदमी एमएश को सैरन कहकर बुला रहा था, लेकिन उसका नाम तो एनएश था न कि सैरन। वो आदमी एनएश से कहता है कि वो उसे मिस्टर ग्रीन कहकर पुकारे और एनएश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ में क्या हो रहा है और वो क्यों ऐसी जगह पर बंधे। वो वहाँ से निकलने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसका चिल्लाना कोई काम में नहीं आता है। अब मिस्टर ग्रीन एनएश को अपने जुर्म कबूल करने को कहता है, लेकिन एनएश के मुताबिक उसने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया था। अब मिस्टर ग्रीन कैमरा में एनएश पर नज़र रखे हुआ था और एनएश उसे गालियां देती है, जिसके बाद मिस्टर ग्रीन तेज वॉल्यूम में एक साउंड चला देता है जिससे कि एनएश को बहुत तकलीफ होती है। और कुछ ही देर में एनएश अब बेहोश हो गई थी। अपने सपने में एनएश को याद आता है कि होटल रूम में उसके साथ में क्या हुआ था। वहाँ पर दो आदमी ने एनएश को बाथरूम में ले जाकर ज़बरदस्ती उसके ऊपर पानी डाला था और रूम में वापस आकर उसे एक कुर्सी से बांध दिया था और एनएश को धमकाकर पूछने लगे थे कि उसने क्या बुरे काम किए हैं। पर एनएश के मुताबिक तो उसने कुछ भी नहीं किया था और वो उसे एनएश की उंगली काटने की धमकी देकर उससे पूछता है कि वो उनके साथ में काम करेगी या नहीं। एनएश इतनी ज़्यादा बुरी डरी थी कि वो उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में एनएश जहाँ पर थी उस रूम में जरा भी प्राइवेसी नहीं थी। हर समय मिस्टर ग्रीन उस पर नज़र रखे हुए था और यहाँ तक कि जब वो टॉयलेट करती थी तब भी वो कैमरा में उसे देखता रहता था। एनएश को वहाँ पर टाइम का कुछ भी पता नहीं था और उस रूम में बाहर से सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आती थी। फिर एनएश उसे टॉर्चर करने वाले होटल रूम की घटना को याद करती है ताकि उसे पता चले कि वो यहाँ पर बंद क्यों है। तभी एनएश को याद आता है कि कुछ दिन पहले पुलिस ने उसे पूछताछ की थी और वो जानना चाहती थी कि जोहान शाजत जैसे लोग जिनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, एनएश का उनसे क्या रिश्ता है और क्या वो उनकी रखेल है। एनएश एक स्ट्रिप क्लब में काम करती थी तो पुलिस वाला उस पर कुछ भी इल्जाम लगाया जा रहा था। एनएश जब शाजत के साथ में रेस्टोरेंट में थी तो कुछ लोगों ने आकर शाजत को एक एनवलप दिया था और पुलिस के पास इसकी फोटोज थी। इससे एनएश बुरी तरीके से फंस सकती थी, लेकिन एनएश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि एनएश जिस स्ट्रिप बार में काम करती थी उसका भी कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था और पुलिस के मुताबिक एक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था जिसके पास एनएश पाई गई थी। पुलिस को बस किसी तरीके से अगले बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना था। वे सभी बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे और उन्हीं के साथ में एनएश घुमा फिरा और काम करती थी और इसीलिए पुलिस का पूरा शक एनएश पर था। अब प्रेजेंट टाइम में एनएश के पास पीने के लिए पानी तक नहीं था तो वो टॉयलेट से ही पानी निकालकर पीने लगती है और खाना भी उसे बहुत खराब दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी भूख के कारण उसे खाना पड़ता है। अब फिर से सीन पास्ट की तरफ जाता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर एनएश को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को देता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि अब से एनएश को उन लोगों से जो कुछ भी पता लगेगा वो आकर सीधा पुलिस को बताएगी और वो सीक्रेटली पुलिस के लिए काम करेगी, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। और ये सुनकर एनएश उन पेपर पर साइन कर देती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे जाने को कहता है, लेकिन एनएश को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। वहाँ के मेन डोर पर भी ताला लगा हुआ था और तभी उसे बाथरूम में किसी की आवाज़ सुनाई देती है और बाथरूम में जाती है तो उसे वहीं पर वे दो आदमी दिखाई देते हैं और वो दोनों आदमी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एनएश अब सो रही थी और तभी रूम में कुछ आदमी जाकर उसे गन से डराते हैं और धमकाते हैं और एनएश को उठाकर एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे कैमरा के सामने बिठाया जाता है और एक पेपर दिया जाता है। एनएश को धमकाया जाता है कि उस पेपर में जो कुछ भी है उसे कैमरा की तरफ देखकर पढ़े और एनएश इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो ऐसा ही करती थी। उस पेपर पर ये लिखा हुआ था कि मैंने अपने देश के दुश्मनों का साथ दिया है और आतंकवादियों के साथ में दोस्ती की है और अब मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है और मैंने अपने देश को धोखा दिया है। सीन कट होता है और फिर से हमें एक औरत दिखाई देती है जिसके घर पर वही दो आदमी जाते हैं और उसके बेटे का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर घर में घुसते हैं और मौका देखकर उस औरत को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। सीन अब अगेन कट होकर एनएच की तरफ आती है जहाँ पर एक नर्स ने उसे कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था। एनएच के मुंह और सर पर आयरन की बेल्ट बंधी हुई थी और उस चेयर में इलेक्ट्रिक करंट था और अगर वो जरा से भी हिली तो उसे शॉक लगेगा। अब फिर मिस्टर ग्रीन के कहे मुताबिक वो नर्स एनएच को ऐसा इंजेक्शन देती है जिससे कि वो थोड़ी देर में हेलुसिनेट करने लगती है। एनएश को फिर एक स्क्रीन पर बहुत ही डरावने पिक्चर्स दिखाए जाते हैं जिससे कि वो अब और भी डरावनी चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही थी और गलती से वो हिल जाती है और अपनी आंख बंद करती है तो उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और ये सब बहुत देर तक चलता है और एनएश के मुंह से झाग निकलने लगा था। एनएश की हालत अब बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और वे लोग उसे दिन ब दिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। एनएश अब मिस्टर ग्रीन की हर बातें मानने लगी थी और एनएश को भूख लगी थी तो मिस्टर ग्रीन उसे पिग यानी कि सुअर का सर खाने को देता है और एनएश इतनी ज़्यादा भूखी थी
कि वो उसी घिनौने कच्चे मांस को खाने लगती है। तभी वो आदमी आकर एनएच को ले जाकर मूवी के पहले सीन वाले लड़के के रूम में डाल देते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस लड़के का नाम रिचर्ड नहीं जोहान है और एनएच और जोहान एक दूसरे को जानते हैं। जोहान एनएच को माफी मांगता है क्योंकि उसके नाम लेने की वजह से ही उन लोगों ने एनएच को यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है और जोहान की हालत एनएच से भी बहुत ज़्यादा खराब थी। और जोहान मिस्टर ग्रीन से कहता है कि एनएच उनके साथ मिली हुई नहीं है। तभी मिस्टर ग्रीन एनएच से कहता है कि अगर वो जॉन को मार देगी तो उसे वहाँ से जाने दिया जाएगा। और जोहान से भी अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो भी एनएच से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मारकर यहाँ से आज़ाद हो जाए। लेकिन एनएच जॉन को मारना नहीं चाहती थी तो वही लोग आकर फिर से एनएच को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देते हैं। नर्स उसे हेलुसिनेशन का इंजेक्शन देती है और सामने की स्क्रीन पर फिर से डिस्टर्बिंग वीडियोज़ चलने लगती है। उन वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट एक आदमी की आंख में एसिड डाल रहा है और वो आदमी बहुत तड़पता है और उसकी पूरी आंखें जल रही थी। इतना टॉर्चर करने के बाद वो सभी आदमी एनएच को फिर से उसी रूम में लाकर छोड़ देते हैं और गुस्से के कारण एनएच रूम की चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगती है। एनएच ने बेड और टेबल से वो दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर आकर उसे फिर से टॉर्चर न करें। अब फिर धीरे धीरे एनएच अपना आपा खो रही थी और रूम के अंदर वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी और पिक का मांस भी पूरी तरीके से उसने खा लिया था। इधर दूसरी तरफ जोहान मिस्टर ग्रीन से कह रहा था कि एनएच का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर मिस्टर ग्रीन कहता है कि अगर वो सब बातें नहीं बताएगा तो बहुत जल्दी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जोहान बहुत ज़्यादा डर गया था। इस तरफ एनएच एक फ़ोन करने के लिए मिस्टर ग्रीन से हेल्प मांगती है, लेकिन मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि पहले उसे जोहान को मारना होगा, नहीं तो फ़ोन मिलना तो दूर उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा कि उसकी बॉडी पर मांस तक नहीं रहेगा। तभी रूम में वही आदमी आते हैं और एनएच को घसीट कर एक टॉर्चर रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे बांध कर रखते हैं। उस रूम में बहुत से खतरनाक हथियार थे जिन्हें देखकर एनएच बहुत डर गई थी। और तभी वहाँ पर नर्स आती है और उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम एनएच बताती है तो नर्स उसे थप्पड़ मारती है और तब वो अपना नाम सैरन बताती है जो कि मिस्टर ग्रीन ने कहा था। वो नर्स एनएच को उन सारे आदमियों का नाम पूछती है जिनका लिंक आतंकवादियों या फिर अंडरवर्ल्ड से था और अगर वो नाम नहीं बताएगी तो एक एक करके उसकी बॉडी का मांस काट ले जाएगा। फिर वो एनएच के कपड़ों को काटती है और फिर वो उसके ब्रेस्ट को काटने लगती है। वो नर्स एनएच के ब्रेस्ट काट देती है और फिर वो उसके ब्रेस्ट को सिलती भी है, जिसके बाद में अब उसे पहले टॉर्चर किए गए लोगों के भयानक फोटोज दिखाए जाते हैं। एनएच फिर डर के मारे अंडरवर्ल्ड से लिंक रखने वाले शहजाद का नाम बताती है और वो जोहान का नाम भी बताती है। जोहान उसका बॉयफ्रेंड भी था और वो नर्स एनएच का नाखून उखाड़ने वाली थी और तभी वहाँ पर मार्क नाम का आदमी नर्स को चौक करके उसे बेहोश कर देता है और एनएच का भी हाथ खोलकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो उसे उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर उसे कार में बैठाकर वहाँ से बाहर निकालने लगता है। रास्ते में वो उसे फर्स्ट एड किट भी देता है ताकि एनएच अपने जख्म पर उसे लगा ले। एनएच उससे पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है और मार्क कहता है कि उन लोगों ने बस उसे किडनैप करने को कहा था, उसे ये नहीं पता था कि वे लोग उसके साथ में इतना ज़्यादा भयानक बर्ताव करेंगे। वो एनएच को भरोसा दिलाता है कि वो उन लोगों में से नहीं है जो कि एनएच का पीछा कर रहे हैं और उसका उन लोगों से कोई लिंक नहीं है। वो उसे ये भी कहता है कि उसे जो कुछ भी पता है आतंकवादियों के बारे में उसे सब कुछ बताना होगा, नहीं तो पूरी लाइफ उसे यहीं पर छुप कर गुजारना पड़ेगी। एनएच कह देती है कि उसने ठीक ही किया कि उन लोगों को कुछ नहीं बताया और ये सुनकर मार्क फिर से कार उसे बिल्डिंग की तरफ ले जाता है और ये बस उसकी एक चाल थी ये पता लगाने की कि एनएच को कुछ पता है या नहीं। एनएच बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और होती भी है कि उसे वापस वहाँ पर न ले जाएं, लेकिन एनएच को फिर से अंदर लाकर बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है और यहाँ तक कि एक छोटे से बॉक्स में डालकर उसे वहीं पर बंद कर देते हैं। एनएच बहुत ज़्यादा रोती है कि उसे वहाँ से निकालने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर तभी एक नर्स आकर वो सलाइन की बोतल चेंज करके वहाँ से चली जाती है और उसी सलाइन की बोतल से एनएच को जिंदा रखा जा रहा था। फिर बहुत देर बाद मिस्टर ग्रीन एनएच को बॉक्स से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है और एनएच को बॉक्स से बाहर निकाला जाता है। वो बहुत देर से बंधी हुई थी तो उसने वहीं पर टॉयलेट कर दिया था, जिसकी वजह से एनएच टॉयलेट का पानी पीने लगती है और इतने टॉर्चर से एनएच का दिमाग खराब हो रहा था और अब वो खुद का नाम भूलकर खुद को सैरन मानने लगी थी और वो मिस्टर ग्रीन के सारे ऑर्डर मान रही थी। एनएच वहाँ से निकलने के लिए तड़प रही थी। एनएच को फिर से इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर वही डिस्टर्बिंग वीडियोस दिखा जाते हैं जहाँ पर रेनेक्स नाम का आदमी खुद के बारे में बातें कर रहा था और उसने अब तक 43 लोगों को मारा था और यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी बेहोश करके उनके साथ में रेप किया था। एनएच को बार बार उसी आदमी का क्राइम याद आ रहे थे और अचानक उसी आदमी को एनएच के रूम में छोड़ दिया जाता है। उस आदमी को देखकर एनएच बहुत ज़्यादा डर गई थी और एनएच से वो आदमी खाना मांगता है। वो उसका नाम पूछता है और एनएच डरकर एक कोने में बैठ जाती है। रोनेक्स एनएच के सामने वहीं पर पेशाब कर देता है और रोनेक्स खाने के लिए पागल हो रहा था। वो बार बार उन लोगों से खाने की मांगे कर रहा था। गुस्से में वो एनएच को बुरी तरह से मारने लगता है और वो आदमी भी एक तरीके से पागल हो गया था क्योंकि वो भी वहाँ से बहुत दिनों से कैद था। एनएच की हालत भी ठीक उसी आदमी की तरह ही थी। अब फिर रोनेक्स जब सो रहा था तो एनएच अपने कपड़े फाड़कर उससे रोनेक्स के हाथ पैर बांध देती है और एक कपड़े से उसका गला घोटने लगती है। रोनेक्स के हाथ बंधे हुए थे तो खुद को बचा नहीं पाता है और मारा जाता है और बिना कपड़ों के एनएच वहीं पर थककर सो जाती है। अब फिर एनएच को जब होश आता है तो मिस्टर ग्रीन उससे कहता है कि उसने मर्डर किया है जिसकी वजह से उसे मौत की सजा हो सकती है और ये सुनकर एनएच रोने और चिल्लाने लगती है। मिस्टर ग्रीन कहता है कि वो समझ सकता है कि वो मजबूर थी और इसीलिए उसने ये मर्डर किया था। फिर कुछ समय के बाद में मिस्टर ग्रीन उस रूम में आकर एनएच को अपने साथ में ले जाता है और मिस्टर ग्रीन उसे अपने रूम में ले जाकर बिठाता है और उसे डॉग फूड खाने को देता है और भूख के कारण एनएच वही डॉग फूड खाती है। मिस्टर ग्रीन ने एनएच को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि उसका दिमाग खराब हो गया था और वो अब मिस्टर ग्रीन के इशारों पर ही चल रही थी। मिस्टर ग्रीन उसे कहता है कि ये सब
उसके साथ पहले भी हो चुका है और बस उसे याद नहीं है। और पहले वह उनकी हर बात मानती थी, लेकिन वह उन आतंकवादियों की बातों में आ गई और वह जॉन से प्यार कर बैठी, तो इसीलिए उसका दिमाग ठिकाना लगाने के लिए उसे यहाँ पर लाना पड़ा। अब फिर एनएस को कपड़े पहनाकर टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है और वहाँ पर वही पुलिस वाला भी था। और तभी वहाँ पर एक बॉडी को बंद कर लाया जाता है और एनएस को कहा जाता है कि वो उस इंसान को गोली मारे। एनएस भी उस आदमी को मारने के लिए रेडी थी, तभी उस बॉडी का फेस दिखाया जाता है जो कि एनएस की माँ थी। मिस्टर ग्रीन एनएस पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है कि एनएस गोली चला देती है और उन सबको यकीन हो गया था कि एनएस अब उनकी बातें मानेगी। फिर कुछ समय के बाद में मार्क और एक आदमी एनएस को रोड पर छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि उसके सभी चीज़ों का ख्याल वे लोग रखेंगे। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही मिस्टर ग्रीन के आदमी एनएस का कार एक्सीडेंट करवा देते हैं ताकि सभी को लगे कि एनएस टॉर्चर के जख्मों से नहीं बल्कि वो एक्सीडेंट से मरी है। ये सभी बातें बिल्कुल सीक्रेट रहे और पूरी दुनिया को पता ना चले। फिर हॉस्पिटल में मार्क और एक आदमी आकर एनएच को यही सारी बातें समझा देते हैं और एनएच भी उनकी बातों को मान जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद में एनएच दिखाई जाती है जो कि शहजाद के साथी थी और शहजाद उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। शहजाद पार्टी में जा रहा था तो एनएच उसके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और उसके जाने के बाद में मिस्टर ग्रीन को कॉल करके शहजाद कहाँ पर जा रहा है वो सब कुछ बता देती है। फिर शहजाद के घर के बाहर मार्क और उसके साथी नजर रख रहे थे और अगर एनएच उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो उसे मार दिया जाएगा। इतने टॉर्चर से उन लोगों ने एनएच को अपना गुलाम तो बना लिया था, लेकिन इससे एनएच पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी और उसे टॉर्चर की हर बातें हमेशा याद आती हैं। एनएच अब कभी भी खुद के होश में नहीं आएगी और वो बस एक खिलौना बनकर रह गई थी। दोस्तों मूवी में बताया गया था कि मिस्टर ग्रीन नाम के एक आदमी ने एनएच नाम की लड़की को पकड़ लिया था क्योंकि उसका लिंक आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड के लोगों से था। उन सभी लोगों ने एनएच को पकड़कर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और उसको ब्रेनवॉश किया कि एनएच अब उनके कहने पर काम करेगी। और उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि एनएच आतंकवादियों के बहुत ज़्यादा क्लोज थी और अगर वो उसका माइंड वॉश करके उसे उनका जासूस बना देंगे तो एनएच आतंकवादियों की सारी खबर उनको देती रहेगी। लेकिन इतना ज़्यादा टॉर्चर से एनएच का इतनी बुरी तरीके से ब्रेनवॉश किया गया था कि उसने अपनी माँ को ही मार दिया और एनएच अब एक खिलौना बन चुकी थी जो कि बस मिस्टर ग्रीन के इशारों पर ही काम करती थी। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ।